बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद रोज। में आज की जो टी टाइम रेसिपी है वो है पोटैटो बॉल्स की रेसिपी। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए मैंने 4 से 5 आलूओं को बॉईल कर लिया था और फिर बॉईल करके 15 से 20 मिनट के लिए स्ट्रेनर पे रख दिया था ताकि ये हल्के से ड्राई हो जाएं। फिर आलूओं को पोटैटो मैशर से या फॉक से मैश कर लें। इजी से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे इसमें, नमक, फ्रेश काली मिर्च पाउडर, कुटी मिर्च, जीरा पाउडर, लहसुन पाउडर, चावल का आटा। इन सब चीज़ों को आलू में मिक्स करके इसकी स्मॉल साइज की बॉल्स बना ली और बॉल्स बनाकर 10 मिनट का रेस्ट दे दिया और फिर स्पाइस मिक्स रेडी किया जो फ्राई करने के बाद ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे, जिसके लिए लहसुन पाउडर, नमक, पेपरिका पाउडर, ड्राइड पार्सले, चाट मसाला, ये सब मिक्स करके स्पाइस मिक्स पहले से रेडी करके रख लिया कि फ्राई करने के बाद हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। जब आप सर्व करेंगे तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने इसको शैलो फ्राई किया है। फ्राई पैन में तेल गरम किया और इसको शैलो फ्राई किया जब तक ये फ्राई ना हो जाए और इन पर लाइट गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। इनकी खसूसियत ये है कि चावल का आटा मिलाने से ये टूटते नहीं हैं और बहुत अच्छी तरह फ्राई होते हैं। फिर इसे गर्मा गर्म केचप या किसी भी डिप के साथ सर्व करें और जो स्पाइस मिक्स रेडी किया था वो भी ऊपर से स्प्रिंकल कर दें। टी टाइम के साथ साथ बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत से ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।